हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विप्रोटेक डिजिटल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विच केसेस के बारे में। स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ कैसे हम बनाते हैं, फिर हम एक एग्जांपल के साथ इसके प्रोग्राम बनाएंगे। क्या करना है, जैसे आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर ही बनाएंगे हम, कैलकुलेटर है जैसे। उसमें क्या होता है, अगर आप सम करना चाहते हैं तो आप प्लस प्रेस करते हैं, फिर नंबर डिजिट देते हैं उसको, और फिर वो आपको सम रिटर्न करता है। माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी आप क्या करते हैं, उसमें आपने यहाँ पे देना पड़ता है, आपको कमांड देते हैं उसको, तो फिर वो उस तरीके से रिटर्न करता है आपको रिजल्ट। ऐसे ही आपके पास स्विच और केस स्टेटमेंट्स चलती हैं। करना क्या है, जैसे कि आपके पास क्या है, कैरेक्टर है कोई कैर, आपने क्या करना है, ऑपरेटर लेने हैं, तो कैर ऑपरेटर्स आपके पास हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे दो नंबर्स जैसे आपके पास आपने एंटर करवाने हैं, अब वो दोनों नंबर जो होंगे वो इंटीजर में होंगे, नंबर वन और नंबर टू, या फ्लोट में होंगे, जैसे मर्जी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटीजर ले रही हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर एंटर करवाने होते हैं, उसके बाद जैसे यूजर नंबर एंटर करेगा, अब जौन सा उसको केस मिलेगा, अगर वो प्लस कर रहा है तो प्लस केस उसका रिटर्न करेगा, माइनस कर रहा है तो माइनस केस उसका चलेगा। तो इस तरीके से ही आपके पास क्या करना है, आपने स्विच केस लगानी है, स्विच के अंदर स्विच स्टेटमेंट्स लगानी है आपने ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेटर के अंदर अब यहाँ पे केसेस डिफाइन करने हैं। केस जैसे आप फर्स्ट केस डिफाइन करेंगे किसके लिए, प्लस के लिए, तो यहाँ पे आप प्लस दे देंगे, और इसके अंदर आपने केसेस डिफाइन करने होते हैं कि अगर प्लस हो तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाए, वो सम कर दे दो नंबर्स का। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। ऐसे ही अगर अब ये जब हमारे पास फिनिश हो गया तो ब्रेक हो जाए, उसके बाद ऐसे नेक्स्ट हमारे पास केस टू चले, केस टू में अगर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस एंटर कर रहा है ऑपरेटर, तो वो क्या चले, माइनस हो जाए दो नंबर्स का, और स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाए। इस तरीके से आपके पास ये चलेगा पूरा। आइए पूरा प्रोग्राम बना देते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपने अब यहाँ पे नंबर एंटर करवाने हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा प्रोग्राम, तो आप आगे समझते रहिए और बनाते चलिए। क्या करना है, सबसे पहले नंबर अपने ऑपरेटर एंटर करवाने हैं, फिर नंबर एंटर करवाने हैं। तो ऑपरेटर एंटर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दे देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं कि आपने क्या करना है, एंटर करना है, एंटर अ ऑपरेटर, तो ऑपरेटर एंटर करेंगे। अब हम उसको चॉइस दे सकते हैं, जैसे प्लस आप एंटर कर सकते हो, माइनस एंटर कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आप एंटर कर सकते हो, डिवाइड आप एंटर कर सकते हो, इस तरीके से आप चॉइस दे देंगे। इस तरीके से आपने एंटर करवा दिए। अब आपने क्या करना है, जैसे यूजर एंटर करेगा, आप कैसे करेगा एंटर, स्कैनर की हेल्प से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्कैनर और दिखना है यहाँ पे फॉर्मेटर परसेंटेज डी, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, नंबर वन एंटर करवाना है, एंटर नंबर वन, यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, आप पूरा लिख सकते हैं, नंबर वन आपने एंटर करवाना है। इस तरीके से ही स्कैनर यहाँ पे यूज करना है एंटर करवाने के लिए, परसेंटेज डी, और आपका जो नंबर वन है एन वन के अंदर स्टोर हो जाएगा जाके। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे नंबर टू एंटर होगा, इस तरीके से परसेंटेज डी, और आपके पास सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले कमांड देंगे यूजर को एंटर नंबर टू, तो इस तरीके से आपने कमांड दी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर करवाने के लिए स्कैनर का यूज करना है द्वारा से, परसेंटेज डी, और एड्रेस ऑफ दे देंगे किसका, नंबर टू वेरिएबल एंड टू का। इस तरीके से अब हमारे पास क्या हो गए हैं, आपने ऑपरेटर यूजर से एंटर करवा लिया, नंबर वन एंटर करवा लिया है, एंटर नंबर टू करवा लिया है। अब हमने उस पर क्या करना है, इन ऑपरेटर्स पे हमने क्या करना है, केसेस डिफाइन करने हैं। अब जैसे ही यूजर क्या करेगा, प्लस एंटर करता है, तो मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास क्या हो जाए, परसेंटेज डी प्लस हो जाए, परसेंटेज डी से इज इक्वल टू मेरे पास परसेंटेज डी, यानी कि
फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे जाएगा नंबर 1 की वैल्यू, सेकंड जाएगी परसेंटेज यू में नंबर 2 की वैल्यू, इसी तरीके से मेरे पास थर्ड में जाएगी नंबर 1 प्लस नंबर 2 की वैल्यू। इस तरीके से हम केस डिफाइन कर देंगे इसको। इसी तरीके से अब ये चीज जब पूरी हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास ये केस जो है वो ब्रेक हो जाए और मेरे पास नेक्स्ट केस चलेगा। नेक्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, माइनस के लिए सेम हम यही देंगे प्रिंट एफ और परसेंटेज डी, इस तरीके से आप दे देंगे परसेंटेज डी, फॉर्मेट माइनस हो जाएगा किससे, परसेंटेज डी से, और इक्वल टू परसेंटेज डी। इसी तरीके से यहाँ पे आप नंबर 1 जाके नंबर 2 से यहाँ पे नंबर 1 माइनस नंबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब सेम ये चीज परफॉर्म होने के बाद जो हमारा केस है वो ब्रेक हो जाए, ऐसे ही चलेगा। इतना रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे रन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर आ रहे हैं। अब हमने क्या गलती की है, एक हाँ कैरेक्टर का यूज किया है हमने, देखिए कैर में रखा हमने, तो हम कैर का ही यूज करेंगे यहाँ पे, ये चीज हमने गलती की है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। जौन सा आप जिस उसमें ले रहे हैं तो उसको उसी के फॉर्मेटर के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो कैर में ले रहे हैं तो कैर सी यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम मैंने कर दिया परसेंटेज सी, और मैं दूंगी जैसे प्लस करना है मुझे तो प्लस यहाँ पे एंटर करूंगी, एंटर नंबर 1 दूंगी इसको और नंबर 2 दूंगी, और मेरे पास वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा सम ऑफ 2 नंबर्स। इसी तरीके से आप बाकी के केसेस भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सेम आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ही आपने केस डिफाइन करना है। नेक्स्ट केस किसके लिए, माइनस हमने कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, तो मल्टीप्लाई का निशान, जैसे ही वो मल्टीप्लाई एंटर करता है तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे सेम वही चीज आप लिख सकते हैं, या फिर और भी अच्छा बेटर तरीके से आप लिख के इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से परसेंटेज डी और इज इक्वल टू मेरे पास परसेंटेज डी, यानी कि फर्स्ट वही है नंबर 1 फर्स्ट फॉर्मेटर में जाएगा, नंबर 2 सेकंड फॉर्मेटर में जाएगा, और थर्ड में नंबर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर 2 से। तो हमने 3 केसेस यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं फ्रेंड्स। आपने चौथा केस डिफाइन करके इसको कमेंट करना है प्रोग्राम को, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम मल्टीप्लीकेशन को भी चला के दे सकते हैं, मल्टीप्लाई लगाऊंगी, नंबर 1 एंटर करूंगी, नंबर 2, और मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं स्विच केसेस के हेल्प से। तो ये आपके रहेंगे स्विच केसेस, इस तरीके से वर्क करते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम और भी देखेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको वीडियोस, और साथ में आप इस प्रोग्राम को पूरा करके भी बताइए कमेंट में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विप्रोटेक डिजिटल के साथ।